नया साल आने पर लोग सबसे पहले नए वर्ष का कैलेंडर अपने घर पर लाते हैं। सागर में ज्योतिष आचार्य के द्वारा तैयार किए जाने वाले कैलेंडर की करीब 8 प्रदेशों में भारी डिमांड है। यहाँ तक कि यह सेना के लोगों के पास भी जाता है। बता दें कि सागर के मकरोनिया के गौरनगर में रहने वाले पंडित श्याम मनोहर चतुर्वेदी के द्वारा सिया भवानी पंचांग तैयार किया जाता है और इसी पंचांग से वह अंग्रेजी वर्ष का कैलेंडर भी तैयार करते हैं। अभी तक वह ऑर्डर के हिसाब से 8 प्रदेशों में इसको भेज चुके हैं, जिसमें उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमालय, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़, राजस्थान सहित मध्य प्रदेश शामिल है। उन्होंने बताया कि इसे उन्होंने बेहद ही सहज और सरल भाषा में तैयार किया है, जिसकी वजह से किसी को कोई परेशानी नहीं जाती है। ये इसका खास तरीका का उद्देश्य ये है कि जो हमारे ब्राह्मण हैं, कर्मकांडी ब्राह्मण हैं, उनको सही जानकारी, उस सटीक जानकारी मिल सके। वो सागर के अक्षांश 2350 और 7843 रेखांश के आधार पर यह निर्मित किया जाता है। क्योंकि यह पंचांग चित्रा पक्षीय अपने पद्धति पर और निर्णय पद्धति पर निर्धारित है, जो भारतीय जो अपनी सरकार है उसके द्वारा ये मान्यता प्राप्त है और उसी के आधार पर इसका निर्माण किया गया है। और ये लगभग 8 से 10 प्रदेशों में ये जाता है। सेना में भी जाता है? हाँ जी, ये सेना में भी जाता है। क्योंकि मैं सेना से माना निवृत्त हूँ, तो सेना में जहाँ जहाँ लोग रहते हैं वहाँ भी ये पंचांग और कैलेंडर, ये कैलेंडर है सिया भवानी कैलेंडर के नाम से, और दूसरा जो हमारा इसी का नाम जो है सिया भवानी पंचांग, ये दोनों सेना में भी जाते हैं और सब जगह पूरे इसमें ये जाते हैं। लेकिन मुख्यतः रूप से ये 8 प्रदेशों में खास तौर से ये जाता है। जो कोई व्यक्ति धार्मिक, सामाजिक या कुछ ऐसे कार्यक्रम करता है वहाँ ये सब निःशुल्क वितरण किए जाते हैं। इसमें ये क्या आपने बहुत सहजता से इनको तैयार किया है, तो अगर कोई आम लोग कैलेंडर खरीदते हैं तो उनको किस प्रकार का लाभ होगा? उनके लिए इस तरीका का लाभ होगा कि इसमें एक तो पूरा सागर की जानकारी दी है, पूरे प्रत्योहार इसमें दिए गए हैं और आसानी से तारीख के हिसाब से व्यक्ति उसको समझ सकता है और आम जीवन में आने वाली जो समस्याएं हैं या जो प्रॉब्लम हैं उनका निराकरण भी इसके पीछे प्रश्नों में दिया गया है। उसको अध्ययन करके व्यक्ति आसानी से अपनी समस्याओं का निराकरण कर सकता है। ठीक।